खबर सितारगंज से। सितारगंज में लोक निर्माण विभाग की ओर से हटाया गया अतिक्रमण। लोकचंद न्यूज संवाददाता जफर अंसारी की रिपोर्ट। सितारगंज के महाराणा प्रताप चौक पर बढ़ते ट्रैफिक की जाम की स्थिति को देखते हुए सितारगंज में महाराणा प्रताप चौक पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, ताकि सितारगंज के महाराणा प्रताप चौक पर सिडकुल से आने वाले भारी वाहनों का आवागमन हो सके और आवागमन के दौरान भारी वाहनों को किसी प्रकार की जाम की समस्या सामना न करना पड़े। वही लोक निर्माण विभाग के जेई सतपाल सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले 2 वर्षों से सितारगंज शहर में समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वही सितारगंज के महाराणा प्रताप चौक पर ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए चौक पर से व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही सभी व्यापारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने के लिए कहा गया। सितारगंज में हम लोग पिछले 2 सालों से लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कुछ दिक्कतें भी आई, कभी हाईकोर्ट का आदेश भी आए हैं, तो उस वजह से कुछ अतिक्रमण हमारे अवशेष रह गए थे। महाराणा प्रताप चौक पर जो ना कुछ समय से गाड़ियों को निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि टर्निंग जो रेडियस है वो कम होता जा रहा था जगह कम होने की वजह से। तो अब जो है हमने जो कोने पर जो घर थे, जो दुकानें बनाई हुई थी, उन दुकानों को हटाया है, जो 3 साइड डाल करके आगे बढ़ा दी गई थी, नाली तक हमने अतिक्रमण फिलहाल हटा दिया है, ताकि जो ना जो हैवी गाड़ियाँ या हैवी लोड वाली गाड़ी है उनको निकलने में घूमने में कोई दिक्कत ना। नहीं, अतिक्रमण की चिन्हीकरण की कार्रवाई हमें बता जैसे बताया मैंने 2 साल पहले से चली आ रही है, उसी में लोग भी अतिक्रमण चिन्हित में थे, और अभी बस वो बीच में जो है कुछ हाईकोर्ट के आदेशों की आने की वजह से रुकावट लगी थी, अब उन्हें जो है अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। ये भी जो चौराहा बनाया जा रहा है वो ब्लॉक के द्वारा बनाया जा रहा है, वैसे उसका जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है जो फिलहाल भी जो चौराहा बनाया है उसकी रेडियस के हिसाब से भी हमारे पास जगह कम दिखाई दे रही थी, जिस वजह से। खबर अच्छी लगी हो तो लोकजन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।